हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। इस अजीत कुमार गुप्ते हैं और हमने लास्ट वीडियो जो यूपीएससी का देखा था क्लास टेंथ के लिए, तो उस वीडियो में हमने देखा था कि कहाँ से चार्ज कैरेक्टर आया, चार्ज की अपनी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कितने तरह के चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्यों है चार्ज का एकमात्र सोर्स, तो उसे हम समझे। इलेक्ट्रॉन की भी प्रॉपर्टीज हमने देखा था कॉन्टेजेस में। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी का वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के पहले और वीडियो देखिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट, ठीक है। जैसे कि चैप्टर शुरू हुआ था तो था क्या कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को कहा जाता है। तो हम वही बात बताएंगे कि किसी कंडक्टर में अगर कोई क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो करता है, ये कंडक्टर है जिसमें हम कह रहे हैं कि कोई क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो करता है, तो इसे कहा जाएगा कि इसी रेट को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, मतलब कि क्यू बाय टी, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब ये क्यू चार्ज टी टाइम में है तो पर यूनिट टाइम में क्या फ्लो करेगा, तो वो होगा चार्ज बाय टी। इसी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहा जाता है करेंट, मतलब Q by 2 या फिर बोल सकते हैं कि करेंट जो है वो हुआ चार्ज पर यूनिट, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक करेंट को डिफाइन कर सकते हो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब किसी कंडक्टर में जो यूनिट टाइम में फ्लो करने वाला चार्ज का अमाउंट है उसी को बोले इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज का रेट जो है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमने निकाला है और उसी को हम बोले इलेक्ट्रिक। नॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट किया जाता है आई से। अगर करंट को दिखाने के लिए आपको बोले तो इसके लिए सिंबल यूज होता है कैपिटल आई और इसका यूनिट जो है वो हम लोग यूज करते हैं एम्पियर, जिसे हम कैपिटल एम से भी लिखते हैं। ध्यान रहे एम्पियर एक बड़ा यूनिट होने के कारण समटाइम हम लोग मिली एम्पियर भी यूज करते हैं और कभी कभी हम लोग माइक्रो एम्पियर भी यूज करते हैं। मिली एम्पियर का मतलब हुआ 10^-3 एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का हुआ 10^-6। जो कि हमारे पास यूज किए जाने वाले स्पेशल सिंबल या स्पेशल यूनिट में से एक होंगे। तो हमारे पास हमने देखा कि हमारे जो यूनिट्स हैं एम्पियर और एम्पियर के अलावा हम मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर भी यूज करेंगे। मिली एम्पियर की मीनिंग हो जाएगी 10^-3 एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की 10^-6, जो एक डेफिनेशन बोल सकते हैं कि किसी कंडक्टर में पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया उसी को बोल रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक। अब अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट की एक डायरेक्शन भी है, जो डायरेक्शन में दिख रहा है कि यहां से करंट इस साइड है। अब हमने बोला कि करंट क्या है तो चार्ज के फ्लो को, तो आप बताएं कि चार्ज यहां पर जो लिया गया वो कौन सा नेचर का चार्ज, प्लस पॉजिटिव नेचर। हमने पॉजिटिव नेचर के चार्ज के फ्लो को बोला है क्या कि इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं कि पॉजिटिव कोई चार्ज हो और उसे हम फ्लो करें, मतलब हमारे पास जो फ्लो करने वाला है वो करने वाला है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये जो है करंट वो डिफाइन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के रेट। तो भाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या लेना देना, तो सिंपल सोचो कि अगर आपसे बोले कि पॉजिटिव चार्ज यहां से चला गया या हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, दोनों बातें क्यों, ठीक है। मतलब कि आप पॉजिटिव चार्ज का बाएं से दाएं ओर जाना बोले या इलेक्ट्रॉन का दाएं से बाएं ओर आना, बात एक ही कह सकते हो। देखो ना भाई, जीरो में से एक चला गया या फिर बोल सके ये चला जाना, मतलब कि ये चार्ज निकल गया,
जीरो का मतलब चार्ज था, उसमें से प्लस चार्ज निकल गया, या फिर बोले उस जीरो के पास एक माइनस वन आ गया। ठीक है, जीरो के पास क्या हो रहा है, माइनस वन आ गया। यस, ये माइनस कर दिया गया मतलब निकल गया और आ गया माइनस वन। दोनों केस में आपको वैल्यूज क्या मिल रही है, सेम, मतलब इलेक्ट्रॉन के आने और होने के चार्ज के जाने दोनों में इफेक्ट क्या हो रहा है, सेम। सब जीरो में से घटा दिया मतलब चला गया, क्या चला गया, पॉजिटिव चार्ज, तब भी हमें रिजल्ट मिलता है माइनस वन। जीरो में अगर जोड़ दिया जाए कोई आ गया है नेगेटिव चार्ज, तब भी हमें रिजल्ट मिलता है माइनस वन। तो हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली पॉजिटिव चार्ज का जाना अपोजिट है इलेक्ट्रॉन के आने। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि द फ्लो ऑफ करेंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब करेंट की जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट हो। मान लीजिए सब नोट्स बना दे, ठीक है, अगर ये मुझे बात को भी लिखना है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझना है कि किसी पॉजिटिव चार्ज का जाना और इलेक्ट्रॉन का आना दोनों एक ही फिजिकल फेनोमेना को एक्सप्लेन। ठीक है, अब हम दूसरी बात जो हमारे हेडिंग का है सर्किट, क्या होता है सर्किट, तो देखा जाए सर्किट है एक क्लोज कंटिन्यूअस पाथ, क्लोज भी कंटिन्यूअस भी, मतलब बिना ब्रेक किया हुआ एक ऐसा पाथ जिस पाथ पर हमारा चार्ज या करेंट मूव कर, मतलब एक ऐसी पाथ जिसमें हम अलग अलग लाइट को सोर्स को यूज करते हैं और उस पर करंट चलता है, उस पाथ को बोलते हैं सर्किट। आप सिंपल समझो ये सब चीजें क्या है, उसके बाद में समझा, थोड़ा देखिए, इसे हम बोल रहे हैं कि ये है इलेक्ट्रिकल सर्किट जो क्लोज होना चाहिए। क्लोज करके देखो, यहां पर हमने स्विच लगा दिया, जब तक स्विच को ऑन नहीं करेंगे तब तक इसमें करंट नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर स्विच ऑन करेंगे तब मेरा फैन ऑन होगा, स्विच ऑन करेंगे तब मेरा बल्ब ऑन होगा। मतलब कि अगर ये क्लोज नहीं है तो इसमें करेंट फ्लो, अगर हम इसे क्लोज कर दिए मतलब कि स्विच को ऑन कर दिए तो ये यहाँ पर क्लोज होगा, तब इसके अंदर करेंट चलना शुरू होगा। तो हम अगर बोले कि नेटवर्क सर्किट, तो सर्किट क्या होता है, तो सर्किट बोल सकते हैं कि इट इज अ क्लोज नेटवर्क एंड कंटिन्यूअस विच कैन प्रोवाइड द फ्लो ऑफ करेंट। ठीक है ना, एक क्लोज नेटवर्क और कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस इसका मतलब ये जब तक जारी है, लगा हुआ है तभी तक, कहीं भी बीच में अगर कंटिन्यूटी ब्रेक करी, तार कट गया, तो वहां से हमें लाइट आगे नहीं मिली, जो कि हम लोग जानते हैं। तो करेंट और सर्किट माइंड में अगर हमारा क्लियर है तो हम अगले टॉपिक से और जा सकते हैं, जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस हमारी अगली है। थोड़ा सा समझ, हम कह रहे हैं कि यहां पर करंट या हमारा जो चार्ज है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने ना का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई ऐसा फोर्स या अट्रैक्शन या कोई नेचर होगा जिसके कारण वो खुद ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है, उसी चीज को जानने की कोशिश। जैसे थोड़ा सा देखें, हमारे घर में मान लिया जाए हमारे छत पर लगा हुआ जो पानी से भरा एक टैंक होता है, अगर एक टैंक मान लिया जाए यहां तक फिल है और एक टैंक हमारा इन्वर्टर है और हमने उसे पाइपलाइन के थ्रू जोड़ लिया, ठीक है, पाइपलाइन के थ्रू जोड़ लिया, अगर हमसे कोई ये बोले कि ये की को, ये जो हमारे पास चाबी है नट है जो दोनों को कनेक्ट करना है, इसे हम खोल दें तो
क्या होगा, तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्विकली बोल देंगे सर यहाँ से पानी फ्लो करना शुरू कर देगा और यहाँ से। अगर हम आपसे पूछे कि ये क्यों गया तो बोलोगे सर ये कुछ आइडिया नहीं, लेकिन इतना जरूर बोल सकते कि एक तरफ हाइट ज्यादा था, एक तरफ कुछ नहीं था, तो चलो ठीक है। इस हाइट या एनर्जी को ही बोलते हम लोग पोटेंशियल, इसे बोलते हैं पोटेंशियल। और अगर आप देख लो कि पोटेंशियल यहाँ ज्यादा और यहाँ कम है, तो ज्यादा पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमारा वाटर या सिस्टम फ्लो करना शुरू, मतलब वाटर करें। अब सर्किट में क्या होता है, तो सर्किट में अगर करंट किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही है, मतलब इनके बीच में कहीं ना कहीं का पोटेंशियल डिफरेंस जरूर, ठीक है, मतलब कोई ना कोई एनर्जी का अंतर है जिसके कारण हाई टू लो फ्लो हो रहा है। अब उस एनर्जी को पोटेंशियल को थोड़ा समझा, क्या समझे कि हमने कहा कि सारा कुछ जो चार्ज पर डिपेंड करता है और चार्ज के सिस्टम, ठीक है, नेचर में चार्ज के बारे में ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ना ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा ना क्रिएट। तो भाई चार्ज आया कहां से, तो नेचर के बारे में सब लोगों को बोला गया था कि सारे चार्ज यूनिवर्स से है। कहां से आए हैं भाई, यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स को आप बोल सकते हो कि ये इंफिनिटी, कहां से आ रहा है, इंफिनिटी से, एक पॉइंट है इंफिनिटी जो हमसे बहुत बड़े दूरी पर है और वहीं से सब चार्ज, ठीक है। अब है कि हमारे सिस्टम में ये जो हमारा सिस्टम है और यहां पर हमने बोला है क्या कि साइंस के जंक्शन है, कि सारे चार्ज वहीं से लाए गए इंफिनिटी से, तो कहता है कि इंफिनिटी से मान लीजिए Q1 चार्ज लाया गया, Q2 लाया गया, Q3, Q4, Q5 ऐसे करके बहुत सारे। तो इस Q1 को कहीं ना कहीं किसी ने लेकर के आया है अपने सिस्टम, पहले पॉइंट पी पर हमने चार्ज सही था जिसे हम इंफिनिटी से पॉइंट पी पर लेके आए, ठीक है। तो इंफिनिटी से किसी चार्ज को लेके आए हैं तो कहीं ना कहीं हमें कोई वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क डन किसलिए, क्योंकि इस सिस्टम में पहले से जो लोग चार्ज होंगे वो उस चार्ज को अपोज कर रहे होंगे। आपको भाई देखो क्लास में जो पहले से टॉपर लड़का होता है वो नहीं चाहता कि और कोई पढ़ने वाला बहुत तेज लड़का जाए कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो चार्ज सिस्टम जो ऊपर इंफिनिटी से लाया जा रहा है वो पहले से अवेलेबल किसी चार्ज द्वारा अपोज, ठीक है, या फिर अट्रैक्ट किए जाए। आप यही बोलोगे भाई इस चार्ज के बीच में तो सर दो तरह का आपने फोर्स बोला था, एक रिपल्सन या अट्रैक्शन, हो सकता है कि जो बंदा लेके चला उसको बहुत तेजी से ये खींच रहा है, या हो सकता है कि इसको लाने नहीं दे रहा, दो नेचर हो सकता, ठीक है। अब कहता है कि अगर हम किसी चार्ज को यूनिवर्स से कुछ इस तरह से लेके आए तो एक्सेलरेट ना करें, एक्सेलरेट ना करें मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन को डेवलप ना हो, एकदम बिना एक्सेलरेट किए हुए हम लेके आए, तो उसमें जो पर यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा किसी पॉइंट तक में उसी को बोला जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल को सुन लिया, किसी चार्ज Q1 को पॉइंट पी तक लाने में जो वर्कडन का रेट है, पर यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्कडन किया गया है विदाउट एक्सेलरेशन, मतलब इस मूवमेंट के दौरान एक्सेलरेशन ना होना चाहिए, उसी को बोला जा रहा है पोटेंशियल, ठीक है। जैसे समझो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा करके चार्ज Q1 को यहां तक लेके आया, मतलब हमारे द्वारा वर्कडन किया गया एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा W, हम कह रहे हैं इसी वर्कडन का रेट Q1 चार्ज को लाए हैं तो W लगा है, तो हमें एक के चार्ज के लिए क्या लगता है W/Q1, इसी चार्ज के रेट को बोला जा रहा है पोटेंशियल, इसे बोला जा रहा है हम लोग पोटेंशियल, ठीक है। और याद रहे इस दरमियान एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब कि जब हम चार्ज लेके आए थे तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो, ठीक है। नॉर्मली पोटेंशियल का मतलब हुआ एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया उसका रेट, ठीक है, और एक्सेलरेशन इस दरमियान क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल अगर आप लिखना चाहते हो नोट्स की तरह तो लिख सकते हो ऑल द चार्ज
ऑल द चार्ज आर एज्यूम टू ब्रिंग्स एज्यूम टू बी कैरिड आउट फ्रॉम इन्फिनिटी पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कैन बी सेड एज द रेट ऑफ वर्क डन पर कूलम चार्ज टू bring a point charge charge from infinity to the same point without acceleration. ठीक है, दस प्लस देखते ऑल द चार्जेस आर assumed टू बी कैरिड आउट फ्रॉम इंफिनिटी. सबके बारे में माना गया है कि सब के सब चार्ज इंफिनिटी से लाए गए हैं. ठीक है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कैन बी सेड एज, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहा जा सकता है. रेट ऑफ वर्क डन पर कूलम, मतलब वर्क डन पर कूलम चार्ज के लिए जो रेट है वो किसी पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से किसी रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट पर लाने में किए गए कार्य के रेट को भी. ठीक है, विदाउट एक्सलेरेशन, मतलब इस दरमियान एक्सलेरेशन कुछ भी नहीं. ठीक है, पूरा पोटेंशियल फिक्स कर. पोटेंशियल क्या हुआ, किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन है, मान लो कि एक यूनिट चार्ज को लाने में इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन किया गया विदाउट एक्सलेरेशन, उसे हम बोल रहे हैं पोटेंशियल. ठीक है, अगर पोटेंशियल की बात करें जिसे हम बोल रहे हैं कि जिसका यूनिट होगा वोल्ट, यूनिट हम बोलेंगे पोटेंशियल का वोल्ट. नोट्स बना लें. ठीक है, अब थोड़ा सा पोटेंशियल पर और चर्चा करेंगे. पोटेंशियल के बारे में बोले कि पोटेंशियल हमारा है वर्क डन बाय चार्ज. ठीक है, जिसकी यूनिट हमने कहा यूनिट होगा वोल्ट, और यूनिट आप कह सकते हो कि वर्क डन का यूनिट होता है जूल और चार्ज का हुआ कूलम. तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वोल्ट है वो जूल पर कूलम के भी बराबर होगा. ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए सुनने के लिए. ठीक है, अब अगले पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो सुना, हमने कहा कि अभी पोटेंशियल का मतलब हुआ कि किसी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में किया गया था. पोटेंशियल मतलब कि इन्फिनिटी से किसी फिक्स पॉइंट, अगर पी पर चाहिए तो इन्फिनिटी से पी में लाने में जो वर्क डन हुआ उसे हम बोल रहे हैं पोटेंशियल. अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तो समझो, अगर हम पहले से कोई चार्ज सिस्टम बना के रखे हुए हैं और एक चार्ज यहाँ पर पी पॉइंट पर है, मान लें कि यहाँ पर चार्ज क्यू है, पॉइंट पी पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, और आपको अब बोल रहा है कि यहाँ पर कोई आर पॉइंट है वहां पर लेके चले, तो कहीं ना कहीं यहां से चार्ज को आर पॉइंट पर लेके जाओगे तो आपको कोई वर्क डन मिलना पड़ेगा. तो उस वर्क डन का जो रेट होगा उसे ही बोला जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब अगर आप बोल रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो पोटेंशियल डिफरेंस है रेट ऑफ वर्क डन फॉर ए यूनिट चार्ज टू bring it from point P to point R in any electrostatic system. किसी भी electrostatic system में एक point से दूसरे point पर ले जाने में जो वर्क डन का रेट होगा उसी को बोलोगे आप पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है,
अगर हम पोटेंशियल बोल रहे थे तो इन्फिनिटी से लेके आए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं तो हम इसी सिस्टम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस आपको शायद क्लियर हो गया होगा। हम अब अगले वीडियोस में अब इसके इम्पोर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करके उसके बाद आगे के न्यूमेरिकल्स और इम्पोर्टेंट सेक्शन को देखेंगे। जिनका ये पहले का वीडियो छूटा हुआ हो तो पीछे के वीडियोज को देखें, कमेंट्स करें, अगर कोई डाउट है इस वीडियोज में भी कमेंट्स करें, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और उसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। एंजॉय, थैंक यू।